रहगांव तहसील क्षेत्र के वनग्राम केलझिरी में शेरनी द्वारा एक युवक को अपना शिकार बनाया गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर वन अमला पहुंचे। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हम आपको यहां बता दें कि विगत 3 दिन पूर्व ही टेमा गांव वन परिक्षेत्र के ग्राम जवारधा में बाघ देखा गया था, जिससे कि ये पुष्टि हुई कि रहगांव तहसील के जंगल में बाघ है। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे वनग्राम केलझिरी में 3 चरवाहे अपने पशुओं को लेकर जंगल में चराने गए थे। तभी 3 में से 2 लोग अलग हो गए। एक व्यक्ति रतन पिता चैन सिंह उम्र 42 वर्ष पर बाघ ने अचानक से हमला कर दिया। संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसके चिल्लाने पर रतन के साथी दोनों युवक पहुंचे और उन्होंने देखा कि बड़े से बाघ ने रतन को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने रतन को बचाने का प्रयास किया। रतन चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ। इस दौरान मनोहर एवं रामजीवन ने पास में पड़ा हुआ बांस उठाया और सर से गमछा निकाल कर लपेटा और आग लगाकर बाघ को रतन से दूर हटाया। दोनों ने रतन को बाघ से बचाकर सड़क के किनारे लाए और एक व्यक्ति ने घटना गांव में जाकर बताई। तो जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर वन विभाग का अमला पहुंचा। मृतक को थाने लाकर मृतक की प्राथमिक जांच कर पोस्टमार्टम के लिए टिमरनी रवाना किया। 2 दिन पूर्व जवारधा में हुई घटना को देखते हुए रविवार DFO नरेश दोहरे ने भी वनांचल का दौरा किया और वनांचल में लोगों को जानकारी दी और सतर्क और सावधान रहने के लिए लोगों से अपील भी की। इधर दोपहर को वन रक्षक पर भी हमला हुआ। घायल शेरनी ने अब तक 3 लोगों पर हमला कर चुकी है।